नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं आपका स्वागत करता हूं हम सभी के अपने YouTube चैनल अरहंत रियल एस्टेट में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं G+13 के टावर में मास्टर बेडरूम 1 BHK फ्लैट, जहां पे काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। ये बिल्डिंग का अंदर का एंट्रेंस लॉबी है। यहाँ पे आपको 2 लिफ्ट मिलेंगे और बेसिक एमिनिटीज आपको इस बिल्डिंग के अंदर मिल जाती है। एक फ्लोर पे आपको मिलेंगे 4 फ्लैट और यहाँ पे जो आपको प्रॉपर्टी मिलती है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, उसी रिस्यूट प्रॉपर्टी मिल जाती है। ये जो लॉबी स्पेस है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे रहेगा अपना स्टेयरकेस एरिया। इस साइड में आपके 2 बेडरूम है। यहाँ पे ये 1 BHK फ्लैट है। इस साइड में अपना 2 BHK का फ्लैट रहेगा और ये रहेगा हमारा एंट्रेंस गेट। यहाँ पे आपको सभी फ्लैट को एंट्रेंस डोर दिया है, सेफ्टी डोर हम जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे रहेगा आपका प्रॉपर वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट। आ जाइए अंदर तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपका स्पेसियस हॉल और ये रहेगा आपका स्पेसियस हॉल। इस हॉल की अगर हम साइज की बात करेंगे तो ये ऐसा चौड़ाई में 9 फीट है और लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 फीट की टाइल्स यूज किया है। 1 2 3 4 5 6 7, ये लगभग 14 फीट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अटैच आपको 2 फीट का सज्जा मिल जाता है और यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डर ने सभी फ्लैट को ग्रिल जो है वो इंस्टॉल करके रखी है और सामने 2 फीट का सज्जा मिल जाता है। ओपन व्यू रहेगा, सामने भी टावर है तो दोनों बिल्डिंग के अंदर काफी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। तो हवा वेंटिलेशन आपके फ्लैट के अंदर काफी अच्छा मिल जाएगा। सीलिंग हाइट भी काफी अच्छी है और यहाँ पे जो स्विचेस जो यूज किए हैं इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट वगैरह जो भी है वो काफी अच्छी मिल जाएगी। और यहाँ पे जो स्पेस है फ्लैट के अंदर आते ही आपको जो वाइब मिलती है वो काफी बढ़िया मिल जाते हैं, जिसे हम वास्तु वाइब जिसे हम बोलते हैं। जैसे हम इंटर करते हैं तो मेरे लेफ्ट साइड में रहेगा आपका किचन। तो आ जाइए किचन के अंदर। यहाँ पे आपको L-शेप में किचन मिलेगा और किचन के अंदर आपको वॉल टू वॉल टाइल्स मिल जाती है। किचन का जो कॉम्बिनेशन है कलर कॉम्बिनेशन वो काफी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस टाइप का, मतलब जो अपना सर्पेंट कलर जो रहता है तो उस टाइप का ये टाइल्स मिल जाता है। ये ग्रेनाइट भी काफी अच्छी है। जो विड्थ है मतलब ये लगभग 2-2.5 फीट के करीब करीब आपको ये प्लेटफॉर्म का एरिया मिल जाता है। OC रिसीव्ड है अपना। यहाँ पे जैगवार फिटिंग मिल जाती है। 24 हर आपको यहाँ पे उल्वे के अंदर पानी मिल जाता है। सेक्टर 18 में आपको ये जो प्रोजेक्ट है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इस किचन के अंदर आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने के लिए भी जगह दी है। यहाँ पे नीचे का आउटलेट के लिए पाइप दिया है। ये अपना किचन का ऊपर का पाइप रहेगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस दी है और यहाँ पे अलग से आपका फ्रिज वगैरह रखने के लिए जगह दी है। और यहाँ पे भी अलग से, मतलब आपका जो वॉशिंग मशीन का, सॉरी अपना मिक्सर का रहेगा, ये फ्रिज के लिए अलग से स्विच दिया है और फैन के लिए भी काफी अच्छी जगह मिल जाती है। किचन के अंदर आपको अगर मॉड्यूलर बनाना रहेगा उसके लिए भी काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। किचन को जो वेंटिलेशन विंडो मिलती है वो भी साइज में काफी अच्छी है। यहाँ पे भी आपको मॉस्किटो नेट मिल जाता है। यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट आएगा और ये जो बालकनी है वो बालकनी भी काफी अच्छी लंबी चौड़ी बालकनी मिल जाती है। और किचन को भी आपको ये ग्रिल जो है, सभी फ्लैट को बिल्डर ने ऑलरेडी ये ग्रिल जो है वो इंस्टॉल करके ऑलरेडी रखी है। ये जो प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है उल्वे सेक्टर 18 में 1 BHK आपको मास्टर बेडरूम के साथ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो ये रहेगा हमारा कॉमन पैसेज एरिया। यहाँ पे आपको आपके बाथरूम के अंदर कॉमन टॉयलेट बाथरूम जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे भी जैगवार फिटिंग है। ये अंदर का बेसिन है, इसका साइज काफी अच्छा लगा मुझे पर्सनली और स्पेस काफी अच्छा है। इसके अंदर भी जो टाइल्स कॉम्बिनेशन है, नल का फिटिंग जो है और ये अपना बेसिन वगैरह सब कुछ जो चीजें है वो काफी अच्छी क्वालिटी के बिल्डर ने यहाँ पे यूज किए हैं। और यहाँ पे ये क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है 65 लाख के अंदर। यहाँ पे डोर क्वालिटी भी काफी बढ़िया मिल जाती है। और ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर काफी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो साइज की बात करेंगे तो ये लगभग आपकी 10.5 फीट की लंबाई मिल जाती है और ऐसी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 10 फीट की आपको चौड़ाई मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको ये मिलेगा आपका 2 फीट का सज्जा और यहाँ पे बिल्डर ने ऑलरेडी ग्रिल लगा के दी है। मैंने जैसे बोला आपको, यहाँ पे आपको सभी फ्लैट को ग्रिल वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करके रखी है बिल्डर ने ही। और यहाँ पे विंडोज भी काफी अच्छी है। ये मॉस्किटो नेट है, सभी फ्लैट को ये सब चीजें मिल जाती है और इसका जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है। ये अपना जो फ्रेंच विंडो हम जिसे बोलते हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर जो अटैच बाथरूम मिलता है वो भी काफी अच्छा स्पेसियस है। यहाँ पे आपको मतलब स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपका रहेगा कमोड, ये बेसिन रहेगा और इस साइड में आपका बाथरूम का एरिया रहेगा और यहाँ पे शावर वगैरह सब कुछ। और जैगवार फिटिंग मिल जाती है, ब्रांडेड क्वालिटी की फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये फ्लैट को आपको अगर विजिट करना रहेगा तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। मैंने यहाँ पे नंबर जो दिया है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेरीज रहेगी वो कॉल करके आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको 65 में
इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस में ये जो प्रोजेक्ट है आपके नाम हो जाएगा, ये जो फ्लैट है आपके नाम हो जाएगा, यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब कुछ इंक्लूडिंग 65 में ये पैकेज आपको मैं दे दूंगा। बैठने के बाद थोड़ा बहुत निगोशिएट करवा दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।